कर उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत का धन्यवाद करते हुए, जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हुए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, तो प्रधानमंत्री भी उनका जो रिस्पांस है वो उसी तरह से है। स्वतः स्फूर्त प्रधानमंत्री अपनी सीट से उठकर दरवाजे के पास आ गए हैं और खड़े हो गए हैं गाड़ी के पायदान पर और वहां से हाथ हिलाकर लोगों को उन्होंने रिस्पांस दिया है, उनके स्वागत का धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भी एक तरह से, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। मातृशक्ति का वंदन करते हुए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया। महिलाओं का दल जो एक खड़ा हुआ था सड़क के किनारे, उनका गीत गाकर स्वागत करते हुए तो मोदी मोदी के नारों से गूंजता हुआ, भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंजता हुआ यह पूरा इलाका, 10 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है प्रधानमंत्री का। और यहाँ इस पूरे इलाके में सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका आभार जताने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। देवघर में रोड शो के दौरान जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो जारी है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये जो रोड शो है इसको भी बहुत ऐतिहासिक कहा जाएगा। किसी प्रधानमंत्री का इस तरह से स्वागत शायद ही कभी हुआ हो। इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। देखिए कितना उत्साह है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, पीछे से जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे, इन जो कतारों के पीछे की तरफ से लोग आगे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे, पीएम मोदी की झलक पाने को आतुर। और प्रधानमंत्री अपने स्वागत के लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए, कई मर्तबा आपने देखा कि वो कैसे खिड़की से बाहर अपना हाथ जो हवा में है वो वेव कर रहे हैं और वो उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अभी उनका काफिला देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम की तरफ आगे जा रहा है। यहाँ पे चाहे स्कूली बच्चे हों या फिर महिलाएं हों, पुरुष हों, देखिए कैसे उनके स्वागत के लिए यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह से ही यहाँ पर खड़े हुए थे। जैसे ही उन्हें पता चला उनके प्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया उनके शहर आए हुए हैं, उनकी जगह आए हुए हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर जब पहुंचे तो कैसे उनके स्वागत के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे साथ ही साकेत लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। साकेत, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए तो लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उनके ये जो उत्साह है वो उस सौगात को लेकर भी है जो आज प्रधानमंत्री के पोटली से, ये कहा जाए उनके खजाने से, झारखंड के लिए निकली। देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है ये, खास करके देवघर के लिए, क्योंकि ये जो इलाका है बहुत डेवलप इलाका नहीं है और काफी दूर है रांची का, एक कह सकते हैं बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ पूरा ये इलाका है। तो ऐसे में इस इलाके की तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नजर दिया है और उस पर लोगों को इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के तरफ से मिली है, तो निश्चित तौर पर लोगों में ये खुशी है। और जो तक खुशी तस्वीरों के जरिए भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन कि अगर 125 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ाएं तो हम 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेंगे, उस सूक्ति वाक्य को भी लोगों ने वहां पर अपने हाथ में, उसके पोस्टर बनाकर अपने हाथ में लिया हुआ है। महिलाएं गीत गा रही हैं और जो तमाम सारे लोग हैं वो तालियां बजाकर, नारे लगाकर, गीत गाकर अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सड़क के किनारे खड़े हुए बहुत समय से। और सबसे खास बात है कि संथाल परगना के इस आदिवासी इलाके में भी ये एक बहुत
अच्छी बात है कि लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं और ये मोबाइल फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं के बाद जिस तरह से उन्होंने उन योजना